हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं न्यू मार्कर स्केच। तो यह पहला एपिसोड है जिसमें हम दिखा रहा हूँ कि बैकग्राउंड शेडिंग कैसे करते हैं। इसके लिए पहले आप 2B या HB पेंसिल से एक लाइट शेड दे देंगे और उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रश का। तो उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल ब्रश ले सकते हैं या फिर मेकअप ब्रश ले सकते हैं, तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये करने के बाद में मिलता हूँ आपको सेकंड स्टेप पे। HP पेंसिल से और एक लेयर करेंगे, पर इस बार हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दें। और इस बार भी हम ब्लेंड करने के लिए नॉर्मल ब्रश का या मेकअप ब्रश का ही यूज़ करेंगे। और इसको भी ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ करेंगे। और ये भी पिछली बार की तरह जो लिया सब को हमने पहली लेयर चला दी है 6B पेंसिल से। और अब दूसरी लेयर की बारी है। इस बार हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के लेयर चलाएंगे। और ये बात याद रखिएगा कि आप जितनी भी लेयर चला रहे हो वो एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ तो सारी लेयरिंग में हॉरिजॉन्टल का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो अब हम 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे लेयरिंग करने के लिए, पर इसमें हम फोटो को देख के लेयरिंग करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा डार्क पोर्शन है वहाँ पे हम पहले लेयर करेंगे। तो आप फोटो में देख ही लिया होगा कि कौन सा पोर्शन डार्क है, तो मैं वो पोर्शन अभी पहले शेड कर रहा हूँ। उस पर 2-3 लेयर चढ़ाने के बाद मैं लाइट पोर्शन को ब्लेंडिंग से कवरअप करूँगा।
पर हम ध्यान रखेंगे कि ट्रक ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करें तो जिससे हमें जो डार्कनेस चाहिए वो मिल जाए। तो अब हम ब्लेंडिंग करेंगे। इसके लिए हम दो टूल का यूज़ करेंगे, पहला टूल है ब्रश और दूसरा पेपर स्टम्प। पेपर स्टम्प इसलिए क्योंकि उससे जो हमें स्मूथनेस चाहिए वो मिलेगी। हम पेपर स्टम्प की जगह कॉटन या टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर स्टम्प नहीं है तो आप कॉटन या टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वो पोर्शन अभी डार्क कर लिया और इस बार हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे ब्रश और पेपर स्टम दोनों को, क्योंकि पेपर स्टम से हमें स्मूथनेस मिलेगी। अब हम जो लाइटर एरिया वहाँ का कवर अप करेंगे तो इसके लिए हल्का सा 10B से शेड देंगे और उसे हम ब्लेंड करके पूरा ऐसे स्प्रेड करेंगे। बढ़िया कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, तब हम इरेजर से जहाँ पे लाइट एरिया हुआ का थोड़ा हल्का सा इरेज करेंगे और इसके लिए मैं क्ले इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। करने के बाद हम और एक बार ब्लेंड करेंगे।